नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एकमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। माता। हे श्री राम, आपने नवरात्रि का व्रत पूर्ण निष्ठा से पूरा किया है। आपने मेरे नव रूपों की विधि पूर्वक पूजा की है। आज दशमी है। आज की दशमी राम के लिए विजयदशमी कहलाई जाएगी। आज आपके हाथों अन्याय की पराजय, अधर्म का अंत एवं सत्य की विजय होगी। हे अम्बे, पाप का विनाश मेरा लक्ष्य था, है और सदैव रहेगा। जानकी की अपहरण की घटना ने मुझे क्रोधित अवश्य किया था माता, किंतु माता, यदि वो अपहरण ना हुआ होता तो कदाचित मैं रावण को पराजित अवश्य कर पाता, उसकी शक्तियों पर अंकुश लगा पाता, किंतु उसका वध नहीं कर पाता माता, क्योंकि उन परिस्थितियों में उसका वध मेरी मर्यादा के विरुद्ध हो जाता। हे माता, अब वो स्वर्ण अवसर उसने स्वयं मुझे प्रदान किया है। रावण का वध होना ही चाहिए माता, क्योंकि वो मानवता का शत्रु है। माता, मैं जानता हूं माता, ये सुवर्ण अवसर मुझे भाग्य ने प्रदान किया है। मैं ये भी जानता हूं माता कि रावण की अशोक वाटिका में मेरी सीता की रक्षा आप ही ने की है। मेरी सीता आपकी अनन्य भक्त है माता, और उसी की भक्ति से प्रेरित होकर मैंने आपका यह नवरात्रि व्रत पूर्ण किया है। हे सिद्धिदात्री, आज आपका आशीष मिला। हे ब्रह्मचारिणी, आपका वरदान मिला। राम धन्य हो गया माता, राम धन्य हो गया। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने सारी मानवता को यह सिखाया है कि यदि मानव चाहे तो ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता है। आपकी विजय हो, यशस्वी भव। शत्रु कहाँ है वो तुच्छ मानव राम, जिसने लंकापति रावण को ललकारने का दुस्साहस किया है? कहाँ है वो जिसने मेरे प्रिय अनुजों और मेरे पुत्रों का वध किया?
कहाँ है वो? यदि साहस है तो सामने आ। लो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने रावण। तुम्हारा अंत करने से पहले मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि तुम अधर्मी हो, महापापी हो। तुमने केवल अपने अहंकार की तुष्टि करने के लिए अगणित निर्दोष सैनिकों का वध किया, उन लोगों का रक्त बहाया जो रक्तपात चाहते ही नहीं थे, उन ज्ञानी ऋषि मुनियों का वध किया जो मानव सभ्यता की रक्षा कर रहे थे, छल से एक ब्याहता का अपहरण किया। ये सारे अपराध अक्षम्य हैं रावण, तुम्हें इनका दंड अवश्य मिलेगा और वो दंड तुम्हें मैं दूंगा, क्योंकि यही धर्म है। धर्म अधर्म धर्म अधर्म का पता तुझे तब चलेगा राम, जब तू मेरे चरणों में अपना सिर रखकर गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, रोएगा। और यदि तूने ऐसा किया ना, तो मैं लंकापति रावण तुझे मारूंगा नहीं, तुझे क्षमा कर दूंगा। और मैं तुझे क्षमा केवल इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे तुझ पर दया आ जाएगी। और सारा संसार जानता है कि रावण और दया एक दूसरे के बैरी थे, बैरी हैं और सदैव रहेंगे। केवल इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा क्योंकि मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा तुझसे अपार प्रेम करती है। और फिर मेरी बहन मानव कुल में चली जाएगी और तुम्हारी सुंदर पत्नी जनक नंदिनी सीता मेरे कुल में अर्थात लंकापति रावण के कुल में। और उसके बाद और क्या राम, उसके बाद तुम्हारा और मेरा बैर सदा के लिए मिट जाएगा। अनुचित करते, अनुचित सोचते, अनुचित जीते जीते तुम ये भी भूल गए हो रावण कि संसार में उचित कर्म भी कुछ होते हैं। मैं ही उचित हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सत्य हूं, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण, लंकेश रावण। और मैं राम हूं जिसने रावण का अंत करने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। मैं तुम्हारे पाप का अंत कर दूंगा, इस धरती को तुम्हारे आतंक से मुक्त कराऊंगा। हे रावण, मैं दशरथ नंदन राम तुम्हारे सर्वनाश का संदेश हूं। मौन हो जा राम, मौन हो जा। मैं मृत्यु बनकर तुझ पर प्रहार कर रहा हूं, संभाल मेरा प्रहार। आक्रमण, आक्रमण। Yeah!
लंकापति रावण लंकेश रावण इस प्रकार उनका वध करना संभव नहीं है। आप जितनी भी बार उनका सिर काटेंगे उतनी बार वो दोबारा उग जाएगा। भ्राता श्री के प्राण उनकी नाभि में है, उनकी नाभि का लक्ष्य साधिए प्रभु। हे राम, मैं रावण हूं। बहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो प्रभु हर लीन धरनी को भारा, तन धारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम बाण रावण संहार,
वृष्टि नभ भई अपारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ आज्ञा पाई पवन सुत धाए, मा तु जान की संग ले आए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो सुलझी भाग की उलझी रे देखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।